गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे, वेरी गुड। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। आज हमारा हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने का डे है। हिंदी में आज हम बिना मात्रा के वाक्य पढ़ेंगे। अ तक की मात्रा आपने सीख चुके हैं ना, तो अब रिवीजन करना जरूरी है, तो पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ साथ। प ल क पलक, म त मत, झ प क झपक, पलक मात झपक, क म ल कमल, घर घर, पर पर, चल चल, कमल घर पर चल, काका कमे आ की मात्रा का, कमे आ की मात्रा का, काका बाजा, लाया लमे आ की मात्रा, यमे आ की मात्रा, या काका बाजा लाया, पाठ पमे आ की मात्रा, पाठ याद कर, पाठ याद कर। तो बच्चों ये पढ़े हमने आ की मात्रा के वाक्य। अब हम पढ़ रहे हैं छोटी की मात्रा के वाक्य। द में छोटी की मात्रा दी, न दिन, न में छोटी की मात्रा नी, कल निकल, आया दिन निकल आया, न में छोटी की मात्रा नी, ख में छोटी की मात्रा खी, ल निखिल, सी समय छोटी की मात्रा सी, तार सितार, ब जमे आ की मात्रा जा, सितार बजा, निखिल सितार बजा। ये हमने पढ़े छोटी की मात्रा के वाक्य। अब कुछ वाक्य हम वाचन बुक से पढ़ेंगे। कमल घर पर चल, खटपट मत कर, अजय अचकन पहन, टमटम पर चढ़, बर्तन जगह पर रख, पलक पलक मत झपक। आ की मात्रा के कुछ वाक्य पढ़ेंगे हम। काका अनार लाया, लाला टमाटर लाया, राजा पाठशाला जा, पाठ याद कर, दिन निकल आया, किताब किताब निकाल कर पाठ पढ़, किताब निकाल कर पाठ पढ़, चिड़िया आई दाना लाई, तकिया खटिया पर रख। तो अब आपको मैंने बिना मात्रा से लेके छोटी ई तक की मात्रा के वाक्य पढ़कर बताए हैं। तो अब आप बुक की सहायता लेंगे और जैसे मैंने रीडिंग किया ऐसे रीडिंग करेंगे। यदि आप वीडियो भेज सकते हैं तो आपका वीडियो बनाकर भी भेजें, छोटे छोटे वाक्य पढ़कर, ताकि आपकी रीडिंग और आप मात्रा पहचानना भी सीख पाए और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाए, है ना। तो ये आपको बिना मात्रा से लगा के ई तक की मात्रा के शब्द पढ़ना है। ओके, नाउ टाइम फॉर होमवर्क। अभी आपको आ की मात्रा से पांच शब्द लिखना है, छोटी की मात्रा से पांच शब्द लिखना है, वह बिना मात्रा से भी आपको 10 शब्द लिखना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। आपको आ की मात्रा से, बिना मात्रा से और छोटी की मात्रा से 10 शब्द लिखना है। ओके,